भारत में ईंधन खनिज के अंतर्गत मैं कोयला संसाधन पढ़ा रहा हूँ। कोयला संसाधन में दूसरा वीडियो है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें छोटी हुई हैं, जिक्र करना जरूरी है। मैंने इससे पहले बताया कि भारत में कोयला दो तरह की चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना चट्टानों में और टर्शियरी चट्टानों में। साथ ही इसके पहले वाले वीडियो मैंने कोयले के क्षेत्र बताए, भारत में जितने भी क्षेत्र पाए जाते हैं कोयले के, मैंने वो मानचित्र द्वारा दर्शाए थे। इसमें हम कोयले में भारत के राज्यों की क्या स्थिति है और टर्शियरी कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देखेंगे, और भी दूसरी महत्वपूर्ण बातें। भारत में केवल 2% टर्शियरी कोयला टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। इसके पहले वीडियो में बताया गया है कि केवल 2% कोयला टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है ना, और 98% गोंडवाना चट्टानों में। गोंडवाना चट्टानों में पाए जाने वाले कोयले की बात हो चुकी है। टर्शियरी कोयले के प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, हमने इससे पहले बताया था कि टर्शियरी कोयला जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में मिलता है ना, जो कि एंथ्रेसाइट प्रकार का होता है। यहाँ पे सभी क्षेत्र हम एक साथ देख लेते हैं। टर्शियरी कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं, पहला नेवेली तमिलनाडु में, दूसरा जम्मू कश्मीर में कारगिल, तीसरा असम में माकूम, चौथा राजस्थान में पलना। नेवेली, कारगिल, माकूम, पलना, ये क्या है, कोयले की खाने है या कोयला क्षेत्र है, राज्यों के नाम याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कौन कौन से कोयला पाए जाते हैं ये भी जानना जरूरी है। तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है ना। कोयले के चार किस्में हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। तो जो गोंडवाना कोयला, जो 98% जो गोंडवाना कोयला है, उसमें ज्यादातर किस किस किस्म का है, बिटुमिनस प्रकार का, वहां मैंने बताया। लेकिन टर्शियरी कोयले अलग अलग किस्म के हैं। तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, कश्मीर के कारगिल में एंथ्रेसाइट, जो कि कोयले की सर्वोत्तम कोटि है, एंथ्रेसाइट है ना, असम के माकूम में लिग्नाइट और राजस्थान के पलना में भी लिग्नाइट, ठीक है। हम अभी चारों किस्में अलग से बता देंगे कोयले की। भारत के शीर्ष 3 कोयला भंडार वाले राज्य, कोयले का सबसे ज्यादा निक्षेप, जमाव या भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा, इसके बाद उड़ीसा में, इसके बाद छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा झारखंड में, इसके बाद उड़ीसा में और इसके बाद छत्तीसगढ़ में। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये भंडार है। शीर्ष 3 कोयला उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य बदलते रहते हैं, कभी कोई राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, अगले साल कोई दूसरा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करने लगता है, इसलिए कोयला उत्पादक राज्यों का जो क्रम है वो स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। हो सकता है कुछ साल पहले आप कोई दूसरा क्रम पढ़े हो। इस वर्ष कोयला उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उसके बाद झारखंड, फिर उड़ीसा, है ना, इस क्रम को याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा कोयला भंडार झारखंड और सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़, याद रहेगा, ठीक है। कोयला उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान आता है, चीन और अमेरिका, यूएसए के बाद भारत का तीसरा स्थान है कोयला उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोल इंडिया लिमिटेड कोयले का उत्पादन या खनन करने वाली, कोल इंडिया लिमिटेड कोयले का खनन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, 7 महारत्न कंपनियां है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ाते इसमें बताऊंगा। तो महारत्न जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उन्हें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न 3 भागों में बांटा गया है। जो ज्यादा लाभ देती है सरकार को उन्हें महारत्न, जो थोड़ा कम लाभ देती है उन्हें नवरत्न, और जो सबसे कम लाभ देती है उन्हें मिनी रत्न कहा गया है। यानी महारत्न कंपनियां ज्यादा लाभ देने वाली कंपनियां हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL है ना, CIL 1975 में स्थापित हुआ महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट, भारत का अधिकांश कोयला गैर कोकिंग श्रेणी का है। गैर कोकिंग क्या होता है, पहले कोकिंग समझ लेते हैं। जिस कोयले में कार्बन कम होता है, ठीक है, जिस कोयले में कार्बन ज्यादा होता है और नमी कम होती है उसे कोकिंग कोयला कहते हैं। किसी भी कोयले में जिसमें कार्बन ज्यादा होता है, जिसमें कार्बन ज्यादा होता है उसमें ताप ज्यादा होता है ना, कार्बन ज्यादा और नमी कम, उसे हम कोकिंग कोयला कहते हैं।
कोकिंग कोयले का इस्तेमाल लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। लोहे को पिघलाने के लिए ऐसा कोयला चाहिए जिसमें धुआं कम हो और तापमान ज्यादा हो। ऐसे कोयले को हम कोकिंग कोल कहते हैं। तो भारत का ज्यादातर कोयला गैर कोकिंग श्रेणी का है, यानी लोहा इस्पात उद्योग के लिए अच्छी कोटि का नहीं माना जाता, गैर कोकिंग श्रेणी का है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोयले का आयात चीन से और ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। भारत में स्टील उद्योग के लिए कोकिंग कोयले की जरूरत पड़ती है, उसका आयात बाहर से कर लिया जाता है, चीन और ऑस्ट्रेलिया से। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादक राज्य, कोयले की चार किस्में हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम, पीट सबसे घटिया। तीसरी कोटी है लिग्नाइट, हम अभी बताएंगे। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु के नेवेली जिले में, तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट कोयले की कई खाने हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक कोयला खाने झारखंड राज्य में। सबसे ज्यादा कोयले की खाने कहाँ हैं? सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, वो दूसरी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा खान कोल माइंस झारखंड राज्य में है। हमने कोयले के क्षेत्र इसकी पहले वाले वीडियो में दिखाए थे, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है ना, झारखंड में बोकारो, झरिया और गिरडी है ना, मध्य प्रदेश में सुहागपुर, सिंगरैनी, छत्तीसगढ़ में तातापानी, राम कोयला, कोरबा और आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी और उड़ीसा में तलचर। ये कोयला क्षेत्र बताए थे जो कि प्रमुख और बड़े कोयला क्षेत्र हैं। लेकिन इसके अलावा परीक्षाओं में पिछले वर्षों में ऐसे ऐसे कोयला क्षेत्रों के नाम पूछे हैं जिनका नाम आमतौर पर किताबों में नहीं लिखा रहता है या जल्दी मिलता नहीं, ऐसे कोयला क्षेत्र पूछे गए हैं। ऐसे कोयला क्षेत्रों के नाम नोट करिए। भारत में अन्य प्रमुख कोयला क्षेत्र इस प्रकार है, कालाकोट जम्मू कश्मीर में, उमसार गुजरात में, निचामोंग जम्मू कश्मीर में, यानी कालाकोट और निचामोंग कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर में, बरकला कोयला क्षेत्र केरला में। ये सब अलग अलग परीक्षाओं पूछे गए हैं। बरकला कोयला क्षेत्र केरला में, नामचिकनाम कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा नहीं याद करना है, मानचित्र बना के जहाँ पे आप प्रमुख कोयला क्षेत्रों को दर्शाएंगे रेखाएं खींचकर, वहीं इन्हें भी दर्शा दीजिएगा, तब याद होगा। बरकला केरला, यानी बरकला को आप यहाँ दर्शाएंगे केरला में, है ना, फिर लाइन खींच के लिख देंगे बरकला कोयला क्षेत्र केरला, ऐसे लिखा करिए। नागचिकनाम अरुणाचल प्रदेश में, ये पांच कोयला क्षेत्र प्रमुख हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं इनके अलावा। इसके बाद आइए हम बताते हैं कि कोयले की चार किस्में लास्ट में देख लेते हैं, आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, यहाँ भी रिपीट कर लेते हैं। कोयले की चार किस्में हैं, एंथ्रेसाइट लिख लीजिए, पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। पहला लिखिए एंथ्रेसाइट। जिस कोयले, पहले मैं बता दूं, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ही ज्यादा होगी उस कोयले में ताप उतना ही ज्यादा होगा तापमान, और वो कोयला उत्तम कोटि का होता है। जिस कोयले में कार्बन ज्यादा हो और नमी कम हो, नमी कम होगी तो धुआं कम देगा, कार्बन ज्यादा ताप ज्यादा, नमी कम धुआं कम, है ना, नमी बढ़ने पर धुआं ज्यादा देने लगता है जिससे कोयले की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो कोयले की गुणवत्ता का मापक क्या है? कार्बन ज्यादा और नमी कम, यानी तापमान ज्यादा और धुआं कम, ठीक। तो एंथ्रेसाइट के बारे में लिखिए, सर्वोत्तम कोटि का कोयला है ना, कार्बन की मात्रा 85% से अधिक, तापमान अधिक, कामा देके लिखते जाइए, तापमान अधिक, ठीक, नमी कम धुआं कम, ठीक, नमी कम धुआं कम। उसी में लिखिए एंथ्रेसाइट कोयला भारत में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरी कोटी बिटुमिनस डैश, बिटुमिनस गोंडवाना युगीन कोयला है, ठीक है। यह कोयला मुख्य रूप से पूर्वी भारत में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत का 90% से अधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का ही है ना। बिटुमिनस कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला है, अर्थात इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% के बीच पाई जाती है। एंथ्रेसाइट में 85% से अधिक और बिटुमिनस में कार्बन कितना है? 55 से 65% के बीच में कार्बन की मात्रा पाई जाती है ना, यानी कार्बन एंथ्रेसाइट से इसमें कम पाया जाता है। तीसरी कोटी लिग्नाइट, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, ग्रे, भूरा कोयला।
लिग्नाइट कोयले की तृतीय श्रेणी है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में ही लिग्नाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ओके, इसके अलावा लिग्नाइट के दो अन्य क्षेत्र हैं, असम में माकुम और राजस्थान में पलना। नेवेली के अलावा लिग्नाइट कोयले के दो अन्य क्षेत्र हैं, असम में माकुम, राजस्थान में पलना। लिग्नाइट कोयला हो गया। चौथा है पीट कोयला। देखिए यह एक घटिया कोयला है, इसमें सॉरी लिग्नाइट में मैंने ये बताना भूल गया, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 45 से 55% के बीच होती है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 45 से 55% के बीच होती है। ठीक, अब पीट, पीट एक घटिया कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा 45% से कम होती है, नमी अधिक होता है जिससे ये धुआं अधिक देता है। पीट, पीट कोयले का निर्माण दलदली क्षेत्रों में होता है ना, यही कारण है कि इसमें नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये हो गए कोयले के चार किस्में। कोयला खनिज आज समाप्त, अब कोयले के बाद हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पढ़ेंगे, है ना। नोट करते रहिए, उत्साह और जोश के साथ पढ़ाई करते रहिए। परीक्षाएं जब आएगी तो आपकी परीक्षा भी हो जाएगी, जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी मैं उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाता चला जाऊंगा। फिलहाल अभी परीक्षा में समय है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।